Hello students, time to study mathematics. So today we are going to solve mathematics workbook part 1. Okay students, so everyone must have to open our last page, that is the page number 36. On that page number 36 we do have here the practice question. Already we solved the till page number 35 in last video. So today we are going to solve our practice questions. So let us solve that practice question. So how to write that practice question in your notebooks, that I am going to tell you. So यहाँ पर जो practice question से, तो इस तरह से यहाँ पर practice question दिए हैं, तो first ही यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको practice question 15 तक ही यहाँ पर आपको notebook में solve करने हैं. बाकी के जो सवाल है, जैसे 16, 17, 18, 19 और 20, ये आपको नोटबुक में नहीं करने, ये आपको बिल्कुल मेंटली करने हैं. कहाँ से? 16 नंबर से, 16, 17, 18, 19 और 20, ये सवाल आपको मेंटली करने हैं. लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको लिखने हैं आपके मैथ्स के नोटबुक में. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो आज हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं. लेट अस सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो हियर वी डू हैव फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 23 एंड द 3? सो हियर देखो मैंने किस तरह से लिखा है, बट यू मस्ट हैव टू राइट विद अ पेंसिल ओवर हियर इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऊपर टाइटल डालना है और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो उसको 1 लिखकर यहाँ पर सर्कल करेंगे हम. सर्कल करते हुए ध्यान देना कि बीच का जो नंबर है उसको सर्कल नहीं क्रॉस होना चाहिए. देन राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 23 एंड 3. मोस्टली कोशिश ये करनी है कि ये जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स आपको बॉक्स के बीच बिल्कुल बीचों बीच लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है. ऑलरेडी हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, देखो 23 माइनस 3 करना है हमें. तो क्या करना है, 23 को उल्टा काउंट करना है. 23 में से 3 आपको सबट्रैक्ट करने हैं. तो 23 को 3 पकड़ने हैं हाथ में और उसको उल्टा काउंट करना है. मतलब 23 22, ओके 23 के बाद 3 काउंट करने हैं उल्टे. तो यहाँ पर 22 21 एंड द 20. तो यहाँ पर कौन से नंबर आते हैं आपको, आंसर इज़ द 20. सो हियर आई कैन राइट द आंसर, आंसर इज़ द 20. ओके स्टूडेंट, सिमिलरली हियर सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 8. देखो सेम नंबर से जब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो यूजुअली जवाब क्या आता है हमारा, यस जवाब आता है हमारा 0. सो आवर आंसर इज़ द 0. नाउ वी डू हैव द थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सब्ट्रैक्ट 89 फ्रॉम 90. तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर हमें टेबल बनाना है. टेबल में बनाएंगे हम 1 प्लेस 10 प्लेस और उसके बाद क्या करेंगे, एक यहाँ पर रो खाली रखेंगे और यहाँ पर रखिए 90 है तो फ्रॉम के बाद का नंबर यहाँ पर पहले लिख देते हो 9090 माइनस ईयर 89. ओके, और उसके नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे अच्छे से. और देखो जीरो में से तो 9 नहीं जाते हैं, तो जीरो को लेने पड़ेंगे यहाँ से बोरो. तो जीरो ने अगर बोरो किया 1 तो वो बन जाता है यहाँ पर 10. ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हमारे नंबर कितना, नंबर 8. तो यहाँ पर अभी क्या करना है हमें, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो बिल्कुल आसान है, 9 के बाद काउंट करना है 10 आए, देख 9 एंड 1 10. सो आंसर इज़ द 1. ओके नाउ 10 प्लस के सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 8, यस सेम नंबर सेम नंबर गया, रह गया 0. सो आवर आंसर इज द 1. ओके सो इज यू नो, तो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक लाइक दैट एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चंस आंसर. नाउ लेट अस सॉल्व द फोर्थ वन एग्जांपल. व्हाट वी आर आस्क इन फोर्थ एग्जांपल, 85 माइनस 76. सो अगेन वी वांट टू मेक अ टेबल. सो 1 प्लेस एंड द 10 प्लेस. तो यहाँ पर एक रो क्या रखनी है, यहाँ पर खाली रख देनी है. 5 एंड द 6, तो 5 में से तो 6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर नहीं होता. तो स्मॉलर नंबर को क्या करना है, बोरो करना है. कहाँ से, अपने नेबर से, 10 प्लेस वाले नेबर से. तो 10 प्लेस वाले नेबर से उसने एक नंबर लिया तो यहाँ पर से एक कम हो गया, 7 8 में से एक कम हो गया तो बन गया 7. और यहाँ पर ये नंबर बन गया बिगर,
10 ले लिए उसने 10 प्लस से, तो ये बन गया नंबर 15। तो 15 में से अभी हमें करने हैं 6 सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे हम, यस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। हाउ मेनी टोटल फिंगर्स, यस टोटल फिंगर्स आर 9। सो हियर आई कैन राइट द 9। नाउ 10 प्लस की सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ 7 माइनस 7, यस 7 माइनस 7 इज द 0, यस सो आवर आंसर इज द 9। नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जांपल नंबर 5th वन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 984 एंड 111? ओके इट्स ऑल्सो सो इजी, लेट अस मेक द टेबल। 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। नाउ वी हैव टू ऐड 100 प्लेस बिकॉज 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। ओके नाउ अगेन लीव वन रो ब्लैंक एंड देन राइट डाउन द बिगर नंबर अप साइड एंड द स्मॉलर नंबर डाउन। ओके 984 माइनस 111, तो यहाँ पर चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। 4 माइनस 1 को काउंट करना है 4 आने तक। 1 2 3 4, हाउ मेनी फिंगर्स, 3 फिंगर्स। सो 3 here 8 माइनस 1, 10 प्लेस की सब्ट्रैक्शन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी फिंगर्स, 7 फिंगर्स। तो अगेन 7, देन 9 माइनस 1, तो आपको पता है बिफोर नंबर आता है दैट इज द 8। इट इज सो इजी एग्जांपल, सो आवर आंसर इज द 873। नाउ यू डू हैव द एग्जांपल नंबर 6 दैट इज द सॉल्व 768 माइनस 234। सो हियर लेट अस मेक सॉल्यूशन, लिखना है आपको, राइट डाउन द आंसर, मेक अ टेबल, 1 प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। नाउ 768 माइनस 234, सब्ट्रैक करते हैं पहले 1 प्लेस देन 10 प्लेस एंड देन 100 प्लेस। 8 माइनस 4 4 5 6 7 एंड द 8, हाउ मेनी फिंगर्स, 4 फिंगर्स आर देयर, आंसर इज द 4। देन 6 माइनस 3 3 3 4 5 6, 3 फिंगर्स। सो 3, देन 7 और माइनस 2 है 2 3 4 5 6 7, यस 5। सो आवर आंसर इज द 534। ओके स्टूडेंट्स, सो सिमिलरली वी डू हैव द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज द एग्जांपल नंबर 7। व्हाट वी हैव आर सबट्रैक 435 फ्रॉम 888। सो अगेन वी वांट टू मेक अ टेबल, 1 प्लेस 10 प्लेस एंड द 100 प्लेस। राइट डाउन द सॉल्यूशन ओवर हियर। ओके नाउ लीव वन रो ब्लैंक, राइट बिगर नंबर हियर, 888 इज आवर बिगर नंबर, माइनस 435। लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन। 5 1 प्लेस के 5 6 7 8, 3 नंबर्स आ देयर, देन 3, 10 प्लेस की सब्ट्रैक्शन करते हैं, 3 4 5 6 7 8, 5 फिंगर्स आ देयर। सो 5, देन 4, 8 माइनस 4, 100 प्लेस की सब्ट्रैक्शन, 4 5 6 7 8, अगेन 4 इज आवर आंसर। सो आवर answer is the 453. Okay students, so here we solve the example number 7. Similarly we do example number 8. What we have asked here, yes we ask here what is the difference when 0 is subtracted from 381. So yahan par dekho kisi bhi number se jab hum 0 subtract karte to answer is the same number, ये हमारी प्रॉपर्टी थी कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 381। ओके सो सॉल्यूशन में आपको लिखना है, यहाँ पर बिल्कुल इजी, हमें क्या करना है, 381
माइनस लिखना है ज़ीरो. सो आवर आंसर इज़ द सेम नंबर, दैट इज़ द 381. ओके स्टूडेंट्स, वाई इज़ द सेम नंबर, बिकॉज वी नो दैट वेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर, सो आवर आंसर इज़ द सेम नंबर. नाउ अगेन वी टू हैव द एग्जाम्पल नंबर 9. यस, वॉट यू आर आस्क इन एग्जाम्पल नंबर 9, लेट अस रीड. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 412 एंड द 1. सो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सवाल है. यहाँ पर किसी भी नंबर से जब हम 1 सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें नंबर मिलता है जस्ट बिफोर इट. ओके, सो यहाँ पर बहुत सिंपल है. सो यहाँ पर लिखेंगे हम फाइंड, सवाल लिखेंगे यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 412 एंड 1. ओके, सो सॉल्यूशन इज अवर वेरी सिंपल, 412 एंड 1. सो सॉल्यूशन इज 412 माइनस 1. सो आई वी नो दैट द नंबर विल गेट जस्ट बिफोर इट, दैट इज द 411. ओके, सो इट्स सो इजी. सिमिलरली यू डू हैव द एग्जाम्पल नंबर 10. सो दैट एग्जाम्पल यू मस्ट हैव टू डू फॉर योर होमवर्क पार्ट. किसके लिए करना है आपको? होमवर्क के लिए. तो एग्जाम्पल 10 मस्ट हैव टू डू फॉर द होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, सो आज की पढ़ाई इतनी ही, बस 1 to 10 तक आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने. कल हम 11 से 15 तक सारे एग्जाम्पल देखेंगे. बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर.